नमस्कार और आपने लॉग इन किया है रेसलिंग न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे द शील्ड को लेकर कि जिस तरह से द शील्ड की स्टोरी लाइन फिलहाल WWE में चल रही है तो उस हिसाब से द शील्ड में आगे क्या होने वाला है। WWE रॉ में पिछले कई हफ्तों से शील्ड के लिए जो स्टोरी लाइन चल रही है उससे फैंस को यह लग रहा है कि अब ज़्यादा दिन तक शील्ड एक साथ नहीं रहेगी। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक ही पेज पर चल रहे हैं लेकिन डीन एम्ब्रोज का रास्ता अलग ही दिख रहा है। कई मौकों पर डीन एम्ब्रोज ने विलेन बनने की चेतावनी दे दी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर शील्ड कब तक एक रहेगी, यानी कि अंतिम बार वे कब एक दिखाई देंगे। इस सवाल का जवाब यह है कि अभी शील्ड को अलग करने का WWE का कोई इरादा नहीं है। पिछले कई महीनों से शील्ड एक फीचर के तौर पर रो में काम कर रही है। समरस्लैम के बाद शील्ड का रीयूनियन हुआ था। ब्रॉन स्ट्रोमन अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने वाले थे लेकिन सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज ने बचा लिया, तब जाकर ये तीनों एक हुए थे। सेथ रॉलिंस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है और रोमन रेंस के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप, लेकिन डीन एम्ब्रोज के पास कोई भी चैंपियनशिप अभी नहीं है। यही इनकी लड़ाई का मुख्य कारण बन सकता है। एम्ब्रोज कभी भी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के खिलाफ टर्न ले सकते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन ने जो किया वो शायद डीन एम्ब्रोज भी कर सकते हैं। एम्ब्रोज ने कई बार ये काम अभी तक किया है लेकिन फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो अप्रैल तक ये होना काफ़ी मुश्किल है। रेसलमेनिया 35 तक इन्हें एडवर्टाइज किया गया है। अगले साल 1 अप्रैल को होने वाली रॉ में शील्ड को एडवर्टाइज किया गया है। इस हिसाब से ये कहना अभी से मुश्किल है कि शील्ड अलग हो जाएगी। हालांकि ये कहना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि WWE में कुछ भी हो सकता है, यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ बदलता रहता है। रेसलमेनिया के लिए शील्ड एक मेजर ड्रॉ के तौर पर काम कर सकती है। रॉ में शील्ड के लिए जो ड्रामा अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। तो गाइज आपके क्या है ख्याल कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।